Hey everyone, this is Gauri Manoj and you are watching Gorse. We have officially reached chapter 14th, the last chapter of this book 0 to 1. I can't tell you how much this is making me happy right now. People who know me will know ki books and meri kabhi nahi banti thi. First chapter read karne mein appreciation mil jata tha mujhe aur main khush ho jati thi. And ab maine consistently ek puri book read kar li hai with you guys and because of you guys. So thanks. Now let's get to the chapter. Chapter 14 ka name is Founders पैराडॉक्स. कभी नोटिस किया है सारे जो फाउंडर्स होते हैं ना वो लोग थोड़े हटके होते हैं, ऑलवेज डिफरेंट. नाउ ये ऐसे दिखाया जाता है और इज इट ट्रू विद ऑल फाउंडर्स एंड इज इट डेंजरस एंड ऑल्सो गुड टू हैव दीज डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल्स रन दीज कंपनीज. शॉन पार्कर, लेडी गागा एक्सेट्रा आर वन ऑफ टू थिंग्स. या तो इनकी ये जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है दिस इज बिकॉज ऑफ नेचर, मतलब ये पैदा ही ऐसे हुए हैं, और नर्चर इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दे ग्रू अप इन और व्हाटएवर. एंड गागा कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मिथ, क्योंकि कौन ही बचपन से लुक्स लाइक अ ज़ॉम्बी, ऐसे कोई पैदा नहीं होता. एंड माइंड यू ऑल ऑफ दीज फाउंडर पीपल हैव कॉन्ट्रडिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रीमली कॉन्ट्रडिक्टिंग. एग्जाम्पल अ किंग, समवन हु इज प्रेज्ड अमिड प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेम फॉर मिसफॉर्च्यून. जब लोग इनमें से कोई भी एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, प्रॉस्पेरिटी या मिसफॉर्च्यून को, तो उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जिन्हें दे कैन होल्ड अकाउंटेबल, बेसिकली अ स्केपगोट. एंड हु मेक्स एन इफेक्टिव स्केपगोट? लाइक फाउंडर्स स्केपगोट्स भी कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं. एक तरफ वो लोग वीक हैं, खुद के लिए लड़ नहीं सकते एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दूसरी तरफ दे स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग द ब्लेम, एंड दिस मेक्स देम लाइक सुपर पावरफुल. वी नीड फाउंडर्स, वी नीड डिस्टिंक्टिव वंस, एंड वी शुड बी मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स इट. वी नीड अनयूजुअल माइंड्स टू लीड कंपनीज, क्योंकि हमें सिर्फ इंक्रीमेंटलिज्म नहीं चाहिए, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए. रिमेंबर 10x बेटर होना चाहिए फॉर अस टू क्रिएट अ मोनोपोली. या फॉर दैट यू नीड distinctive founders. Also, founders are not important because they are the only ones who work and have value and stuff like that. But they're important because they can bring out the best from others. Ye hoti hai unki USP. Now come my favorite lines. The single greatest danger for a founder is to become so certain of his own myth that he loses his mind. But an equally insidious danger for every business is to lose all sense of myth and mistake disattachment for wisdom. And this is how we've all finished the book 0 to 1. I really hope you guys liked it. We'll be starting out with our next book soon. Guess karo kaun si hai in the comment section below. That's it you guys. Do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Much love.